हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में है तो आप जरूर आप देखिए वीडियो। इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन जो आपका ओन आर सीट वाले क्वेश्चन है वो आपको फंसने की संभावनाएं 100% रहेंगी। बस आप इन टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर आपको लिखने चल रहा हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लास 10th के लिए स्पेशल है, तो साइंस के जो पेपर है आपका उसके लिए, ठीक है? इसमें टोटल आपका होगा, साइंस आपका टोटल आपका रह जाएगा, ठीक है, 20 अंक। ओके, तो हम पहले चलेंगे आपके रसायन विज्ञान, जो फर्स्ट पार्ट आपका है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, उसमें से आपको कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रासायनिक अभिक्रिया के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसमें बताना होता है कि इसमें आपको कौन सी अभिक्रिया हुई है। ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें दो चार विकल्प मिलेंगे, कभी कभी आपको मिलेगा संयोजन अभिक्रिया विकल्प में आपको, क्या संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद आपका वियोजन भी मिल सकता है, वियोजन, उसके बाद आपका अपघटन, और अपघटन छोड़ दीजिए, आपको मिल सकता है विस्थापन, क्या विस्थापन, और यहाँ पर मिल सकता है आपका अगला आपका आक्सीकरण या आपका विस्थापन, द्विविस्थापन मिल सकता है, द्विविस्थापन मिल सकता है। जो जो हम बता रहे हैं बस इन्हीं पर ध्यान देना है और आपको अधिक नहीं ध्यान देना है। इसमें विकल्प, विकल्प में आपको कोई एक अभिक्रिया दी रहेगी, जो अभिक्रिया दी रहेगी उस अभिक्रिया को आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि पी बी प्लस सी यू सी एल टू, पी बी सी एल टू प्लस सी यू, ये अभिक्रिया में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया हुई है, संयोजन अभिक्रिया हुई है, वियोजन अभिक्रिया हुई है, या आपका विस्थापन अभिक्रिया हुई है, द्विविस्थापन। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया को हम समझाते हैं। फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो तत्व हो, दोनों तत्व को जोड़ करके, दोनों तत्व को जोड़ करके यहाँ पर कोई एक ही तत्व तैयार, ठीक है, एक ही तत्व, दोनों तत्व को जोड़, ये दो तत्व हो और दोनों को जोड़ करके एक ही तत्व बन जाए। वियोजन में क्या होता है, जब एक ही तत्व हो और इन तत्व को अलग करने पर दो तत्व निकल जाए, दो तत्व निकलने, ये वियोजन हो गया। विस्थापन अभिक्रिया में दो टाइप होता है, एकल विस्थापन द्विविस्थापन। एकल विस्थापन और द्विविस्थापन क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका एक तत्व है और ये दो, ये जो है आपका इस तरीके से चीज से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर आपका एक तत्व है इस तरीके से और यहाँ पर भी आपका कुछ इस तरीके से मिलकर बना हुआ है। दिमाग में डालिए, मैं यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें ले लेता हूँ, ठीक। अभी अब इस तरीके से देखिए, इसमें जो ये बना हुआ है, ये गोला, यहाँ पर मैंने गोला बनाया, ये आगे आगे वाला बना लीजिए, आगे आगे वाला आप बना लीजिए, ठीक है। तो विस्थापन मैं समझा रहा हूँ, विस्थापन मतलब होता है कभी भी एकल विस्थापन, जब एक ही तत्व में विस्थापन हो, तब जैसे इसमें का आपका ये प्लस, ये जो देख रहे हैं सही का, ये सही इस गोला के साथ बना हुआ है, मतलब इस तत्व के साथ ये तत्व जुड़ा हुआ है, इसमें इस तत्व के साथ में जुड़ करके इस तत्व के साथ जुड़ गए, इसमें इसके साथ ये वाला तत्व जुड़ा है तो ये इसके साथ ना जुड़ करके इसके साथ जुड़ गए, तो ये दोनों देखिए, ये तत्व उसके साथ जुड़ा, ये वाला उसमें चला गया, वो वाला उसमें चला गया, ये द्विविस्थापन हो जाता है, ये आपका द्विविस्थापन हो जाता है। परंतु विस्थापन किसको कहते हैं, वो एकल विस्थापन को बोलते हैं, मतलब इसमें से एक ही तत्व जाएगा, जैसे आपका यहाँ पर ऐसे है और इस तरीके से आपका यहाँ पर ऐसे होता और यहाँ पर आपका ये वाला ऐसे रह जाता और इस तरीके से आपका हो जाता, ठीक है। यानी कि इसमें इसके साथ वाला, ये इसके साथ, इसके साथ ये गोला के साथ था, मतलब ये वाला तत्व इधर इस वाले तत्व के साथ मिल जाएगा, अभी इसके साथ था, इसके साथ मिल जाएगा उसमें उधर साइड जाकर, ये एकल विस्थापन होता। अगर एकल विस्थापन विकल्प नहीं है तो इसका मतलब विस्थापन, जब एकल विस्थापन मतलब एक ही तत्व का विस्थापन हो, प्रतिस्थापन करे, एक ही तत्व का विस्थापन करे तो एकल विस्थापन, मतलब विस्थापन, अगर जब दो तत्वों का करे तो दो विस्थापन, यानी कि दो तत्वों का विस्थापन। इसमें से आपके विकल्प पूछे जाएंगे, ध्यान देना, इसमें के आप विकल्प जो भी रहेंगे आपको अच्छे तरीके से गौर कर लेना है। उसके बाद इसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपका कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये तो आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपका इसमें कभी कभी पूछा जाता है, वो लहस्क वाला पूछा जाता है, उसको छोड़ दीजिए, मैं इसमें संतुलित समीकरण से रिलेटेड पूछा जाता है, ऐसे समीकरण पूछा जाएगा तो तत्थान छोड़ दिया जाएगा और उसको पूरा करना होगा, तब आपका रहेगा एक ही, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं आपका संतुलित समीकरण ये वाला पार्ट के बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, आपका दूसरे पार्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको दिमाग में बैठाते हैं। दूसरे पार्ट से आपका क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका बनता है यहाँ से पीएच मान से जुड़ा हुआ, किससे,
मान से और सूचक से, पीएच मान से और सूचक से दिमाग में बैठाना। एक हमारा समीकरण होता है एच आयन और गुणा में होता है ओ एच आयन, और इसका टोटल हम आयनिक गुणनफल जो होता है 1 × 10⁻⁴। ये होता है, इस फॉर्मूले पर दिमाग रख दिएगा। जब कभी भी पीएच मान निकालना हो ना, तो हमें इससे पीएच मान निकलेगा, इससे पीएच वैल्यू हमारी एच आयन से निकलेगी और इससे नहीं निकलेगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को ही हम टोटल आयनिक गुणनफल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिमाग बैठाना है कि इसके इसको निकालना हो, जैसे आपका निकला गया यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का मान निकला हुआ है बराबर 10⁻⁵, ऐसे निकला हुआ है एक आंसर आपने निकला हाइड्रोजन आयन का। जब कभी भी पीएच मान निकालना हो तो हमें हाइड्रोजन आयन का मान पता हमें याद रखना। जब प्रश्न में आपको मिले हाइड्रोजन आयन तो समझ लो आपका पीएच मान का काम हो गया। लेकिन अगर आपका हाइड्रोक्साइड आयन मिले, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है तो पहले आप हाइड्रोजन आयन निकालिए, इसके सहारे से इसको निकालिए, तब जाके मिले। अब पीएच मान होता क्या है? हाइड्रोजन है जो निकल जाएगा, जो यहाँ पर पावर दिख रही है ना, मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁶, यही हमारा पीएच मान होगा। मतलब आप समझ गए ना, 10⁻⁶ जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही हमारा पीएच मान होगा। परंतु अगर काफी आपका इस तरीके से पूछ लिया जाए, प्लस में पूछ लिया जाए, तो प्लस में पूछा जाए तो इसको आप माइनस में करिए, क्योंकि देखिए कैसे यहाँ पर माइनस ए वाला और ये वाला इस तरीके से मिला करके आपका ये +3 हुआ था, इस तरीके से +3। इसका मतलब माइनस आपका ये वाला हो गया, पीएच की जगह क्या है? -3। तो ये अगर प्लस में रहे तो माइनस में निकाल दीजिएगा, लेकिन माइनस यहाँ लिखा है तो प्लस में, वही केवल संख्या को ही पीएच मान मान। बात को समझ गए ना? तो अगर आपका हाइड्रोक्साइड आयन दिया जाए, मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू आपकी दे दी गई कि 10⁻⁔, 10⁻⁔ दे दी गई। ये किसकी मान है? हाइड्रोक्साइड आयन का, ओ एच का मान। तो अभी हमको तो पीएच मान लेंगे, हमें इसका नहीं। तो क्या करना है आपको? 14 में इसको घटा देना, इसको 14 में घटा देना। जब 14 में घटाएंगे तो 12 बचेगा, क्या बचेगा? 12। तो 10⁻½ बचेगा, और -12 मतलब यही 12 हमारा पीएच मान। जब उसको घटा देंगे तो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, 14 में जब उसको हम घटा देंगे तो हमारा वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है घट जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और वही पीएच मान निकल जाएगा। बात को समझ गए ना? पीएच मान वाले सवाल को आप लगा लीजिएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, हमेशा आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा इसी। बाकी आप समझ सकते हैं अम्ले और क्षार के लिए अम्ल क्षार कैसे निकाला जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्षारी विलयन, एक बात और पूछते हैं, यहाँ पर यूनिट बना देते हैं, ये 7 है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तो आपका 14 हुआ, इधर आपका अम्ली हो जाएगा, इधर आपका क्षारी हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, जब कभी भी आपका कोई विलयन, मान लीजिए बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि आपका एक विलयन है उसका 7 से कम है मान, किससे कम है? 7 से कम मान है तो विलयन कैसा होगा? अम्ली होगा। और एक विलयन अम्ली है परंतु, तो उसका मान कितना होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम हो तो अम्ली, 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय, और 7 पर हो तो उदासीन। दिमाग में बैठा लीजिएगा, मतलब अगर कोई बोल देगा एक विलयन जिस जो कि क्षारीय है, एक विलयन क्या है, कैसा है? क्षारीय है, तो वो विलयन का पीएच मान कैसा होगा? 7 से अधिक होगा, तो 7 से ज्यादा होगा। तो इस पर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन इस पर भी आ जाएगा। तो दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, अब पीएच मान निकालना हो, जैसे यहाँ 10⁻⁴ आपका -12 है, इसका मतलब पीएच मान कितना है? 12 है। यहाँ पर आ गया 10⁻⁴ है, पीएच मान कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर 10⁻⁔ है, पीएच मान 2 आ गया। परंतु अगर आ गया 10⁻² इसका मतलब पीएच मान -2, बट आप निकाल लीजिए। ओके, और हमेशा होना चाहिए हाइड्रोजन आयन, सब प्रश्न में पढ़िएगा, हाइड्रोजन आयन रहे तभी इसको निकालिएगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन में ये पावर दी जाए तो इसको आप 14 में घटाते तब नहीं। इस बार से इतने भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट में रहेगी, मैं जो भी अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपको इनमें से क्या क्या तैयार कर लेना है, इनमें से आपके कुछ सूत्र याद कर लेना है। देखिए जितने भी सोडा है इनको सूत्र याद कर लीजिएगा, सोडा का सूत्र मतलब सोडा में आप समझ सकते हैं खाने का सोडा, ठीक है, बनाने का सोडा और धोने का सोडा, तीनों सोडा का नाम याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लीजिएगा, फिटकरी का याद कर लीजिएगा, साधारण नमक का याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन सब सूत्र को याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये बहुविकल्पी में, इतना बहुविकल्पी में आप अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। सूचक से जुड़ा हुआ चीज याद कर लेना है, सूचक मतलब आपका जब कोई फिनाफ्थलीन और मिथिल ऑरेंज से आप देख लीजिएगा, किसे? फिनाफ्थलीन से, फिनाफ्थलीन वाला देख लीजिएगा और मिथिल ऑरेंज वाला देख लीजिएगा।
जब फिनाफ्थलीन कैसे रंग बदल देता है, मिथिल ऑरेंज कैसे रंग बदल देता है, तो इससे आपको पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो आपका बहुविकल्पी इसी में आने वाला है। ये रहा आपका दूसरा पार्ट, क्योंकि पार्ट बहुत है इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से खींच रहा हूँ ताकि आपको क्लियर बता दें। ठीक है, अगला पाठ में चलता हूँ। अगले पाठ में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आपके रहेंगे जो पूछे जाएंगे, तो मैं धातु और अधातु वाला पाठ से आ जाते हैं। धातु और धातु में सबसे पहले बात करते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं, मतलब धातु को हम पहचाने की, कभी कभी धातु और अधातु पहचानने के लिए आ जाएगा। तो धातु हमें पहचानना है, मतलब जब कोई ऐसा तत्व हो, हमें अगर ठोस मिल रहा है, कोई तत्व ठोस हो और उसके साथ साथ उसको पीटा जाए तो वो फूटे ना, वो चपटा हो जाए, तार के रूप में बदल जाए, अघार तो अनिता हो, तन्यता हो, दो शब्द और पकड़ लीजिए, अघार तो अनिता जिसको पीट कर चद्दर के रूप में बनाया जाए, और जिसको हम तार के रूप में बदले उसको तन्यता, जिसको पीट कर चद्दर में से अघार तो अनिता, दोनों शब्द पकड़, दोनों पर टिप्पणी भी पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर उस तत्व में आपकी चमक हो, उस तत्व में आपकी उष्मा गर्म हो, यानी गर्माहट हो, उष्मा हो, और उसमें आपका बिजली जो है इधर से उधर ट्रांसफर हो, बिजली चालक हो, विद्युत चालक हो, तो ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब अगर इन सब में गुण ना हो वो अधातु होता है, और धातु और अधातु जिसके दोनों में गुण हो वो उपधातु होता है। इस तरीके से बहुविकल्प भी आप इसमें पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात, हम देखते हैं कि आपको इनमें से और क्या, तो एक सूत्र आपका होता है लाल दवा। लाल दवा का सूत्र आप याद कर लीजिए, KMnO4 लाल दवा का सूत्र होता है। धातु अधातु को हमने बता दिया, और आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में जितने भी इसमें पूछे जाने वाले हैं उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद आपका एक होता है पूछा जाए उपधातु। एक धातु में आपका एंटीमनी पूछा जाएगा, क्या एंटीमनी, ठीक है, वो एंटीमनी आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और विस्थापित करने के लिए आपका कापर, ये वाला कापर का एक्स एक्स याद कर लीजिएगा, ऊपर की जो एक्स होते हैं इससे जुड़ा हुआ बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, एक आपका कभी कभी अयस्क में आपका भर्जन और विस्थापन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कापर से जुड़ा हुआ एक्स जो होता है इनका आपका सूत्र याद कर लेना है, तांबे का और कापर का। कापर पाइराइड का सूत्र याद कर लीजिए, कापर पाइराइड का सूत्र याद करिए। ठीक है, कापर पाइराइड का सूत्र CU या फिर SO2 या CU या फिर S2, CU या फिर S2, तो ये हो गया आपका किसका, कॉपर पाइराइड का। ठीक है, तो इसको आप सूत्र याद कर लीजिएगा, तो ये हो गया। उसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें से जो आते हैं मान लीजिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पर, इनमें से इसके बाद जो भी अगला पार्ट है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है, ये है कार्बन से जुड़ा हुआ पार्ट। क्या कार्बन से जुड़ा हुआ पार्ट, इसको हम पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें हमें दो कैटेगरी हम बांटते हैं। सबसे पहला नंबर तो आपको दिमाग बैठाना है संतृप्त, क्या संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त के बाद असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त में क्या है दिमाग बैठाना, संतृप्त में आपका क्या होगा, एकल बंध होगा, एकल बंध होगा, इसमें आपका द्विबंध होगा और त्रिबंध होगा, मतलब इसमें एक बांड द्वारा होगा, इसमें दो बांड भी होगा, इसमें त्रिबंध भी होगा। सूत्र देखते हैं, तो CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, दिमाग बैठा लीजिएगा दो। ठीक है, इसमें के जो समूह होंगे हमारा, ये होगा एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन होंगे। ठीक है, दिमाग बैठ जाएगा ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब हो गया कि कार्बन जो तत्व होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वो दो गुना होगा, दो ज्यादा होगा। एल्केन में देखिए, एल्केन तीन अंगुली निकालिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दो ज्यादा दो कम, दो ज्यादा दो कम बराबर, न तो ज्यादा न तो कम, दो दो ज्यादा दो कम, न तो ज्यादा न तो कम, न तो ज्यादा न तो कम डीजल, मतलब इसमें कार्बन का दुगना होगा, हाइड्रोजन दो ज्यादा होगा, इसमें दो कम होगा, और इसमें न तो ज्यादा होगा न तो कम, केवल दुगना ही होगा। बात समझ में आई, जैसे मैं यहाँ पर अगर कार्बन लिखूं, कार्बन दो है तो हाइड्रोजन चार होगा, तो इसमें क्या है, कार्बन दो दुगना चार, मतलब ये वाला है,
अगर इसमें दो और जोड़ देते, मतलब इसमें चार की जगह छह कर देते, तो दो ज्यादा हो गया, इसका मतलब एल्केन हो गया। अगर इसमें हमारा दो कम कर देते, चार दो दूना चार की जगह दो कर देते, ये एल्काइन हो जाता। तो इस तरीके से हमें समझ में आना है कि क्या कैसा कैसा क्या चीजें रहना है। इसको आप पकड़ लेंगे, डायरेक्ट इसका फार्मूला आपको पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाएंगे। और इसमें समूह दे दिया गया, जैसे दे गया CH, सॉरी यहाँ पर दे दिया गया कि आपका ये कौन से समूह का है। देखिए 3 × 6 = 8, मतलब एल्केन का है। कितने का है? एल्केन का। और अगर इसका नाम बताना हो तो आप कार्बन की संख्या से नाम बताइए, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप है, प्रोप में अगर एन जोड़ेंगे प्रोपेन हो जाएगा। अगर इसमें ये वाला बांड होता, मतलब इसमें दो ज्यादा ना होता, केवल दुगना होता, अभी प्रोपीन हो जाएगा, किसमें? एन। इसमें आपका एन जुड़ जाता है, इसमें एन जुड़ जाता है, इसमें इन जुड़ जाता है, सॉरी इसमें आयन जुड़ जाता है, इसमें आयन जुड़ जाता है। इस तरीके से इसमें आपका दो कम हो जाएगा, मतलब इसमें आपका 3 × 6, 6 में दो कम कर देंगे तो 4 ही होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, मेथेन मेथिन मेथाइन। ठीक है, जैसे इसका नाम है एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें एन इन आयन, इस तरीके से इसको समझ लेना है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप पकड़ लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कभी कभी आपको समूह जुड़ते हैं कुछ, इसको दिमाग में डालिए। OH जब हो तो इसको हम ऑल मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑल। नाम के आगे उसके ऑल जुड़ा होना चाहिए। और यह समूह क्या होगा? एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। और इसमें इसके बाद अगर यही चीज आपका CHO हो तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसमें हम बोलेंगे अल। क्या लिखेंगे? अल। अल हो तो इसका मतलब एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर यही चीज CO हो तो इसको बोलेंगे ओन। क्या बोलेंगे? ओन। ओन का मतलब कीटोन होगा, इसमें होगा कीटोन। ठीक है, अगर इसी तरीके COOH है तो इसका मतलब यह है ओइक अम्ल। क्या है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया था ना। अब इसमें कभी भी नाम का आगे आपको पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर पूछा, ऐसे पूछेगा C2H5OH है। देखिए इसमें आप खुद दिमाग लगाइए, C2 है मतलब कार्बन संख्या, कार्बन संख्या को आगे या पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर भी है। कार्बन संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए हमारा क्या होगा? मेथ एथ, मतलब एथ है, एथ के साथ है OH जुड़ा है। OH का मतलब आल, इसका मतलब ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल है, बस बात खत्म। इसमें किसी ऑल जुड़ जाएगा। अब किसी किसी तरीके से जाएगा, कभी कभी इसमें एक समूह पूछा जाएगा, OH किसके समूह का है? एल्कोहल का है। इस OH जिसमें जुड़ा रहेगा उसमें कैसे नाम पकड़ना? ऑल जुड़ा हो पीछे, उसके ऑल जुड़ा हो तब पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पकड़ करना होगा, आपको पकड़ बनाना होगा। तो आपको आराम से, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पर लिखा है प्रोपेनॉल। क्या लिखा है? देखिए ये लिखा है। अब इसमें बताना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन, इसमें मतलब कौन सा समूह है। इसमें देखें प्रोपेनॉल ऑल, ऑल है, ऑल मतलब एल्कोहल, मतलब इसमें चित जब सरचरा बना रहेगा तो OH हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? OH। इसको किसी भी तरीके से कहीं से भी ढूंढिए, क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। तो आप अगर ये रखे रहेंगे दिमाग में तो आप आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसी तरीके से प्रोपेनल, क्या पूछा जाए? प्रोपेनल 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 में कौन सा समूह है? तो दिमाग में रखिए प्रोपेनल अल, अल है, अल का मतलब ये, इसका मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब CHO है। चाहे आप इससे पकड़िए, चाहे इसे विकल्प में जैसा रहेगा उससे पकड़ेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक आता है आपका समचक्रीय अलैन जो आता है आपका, ये बेंजीन को देख लीजिएगा। बेंजीन, क्या बेंजीन? बेंजीन का सूत्र होता है C6H5, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, ये क्या हो गया? बेंजीन। बेंजीन में हम कैसे बनाएंगे? देखिए एकदम नीचे है, आपको 4 कार्बन पहले इधर बना लेना है, फिर 1 कार्बन यहाँ बना लेना है, इसको ऐसे ऐसे बंद कर लेना है। ठीक है, यहाँ शुरू करिए, फिर डबल बॉन्ड एक छोड़ दीजिए, फिर डबल बॉन्ड एक छोड़ दीजिए, फिर डबल। इसमें हमें H को जोड़ देना है, सभी में H को जोड़ देना है, सभी में H को जोड़ देना। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। इसका आप उस तरह संरचना देना चाहें तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, ऐसे आप दे सकते हैं, इस तरीके से भी। अगर इसी तरीके हम टालुइन जो होता है, टालुइन सेम इसी तरीके से टालुइन बनाना है, यहाँ पर या यहाँ पर, चाहे जहां एक जगह आपको CH3 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? CH3।
इसलिए इसका सूत्र C6H5CO3 हो जाता है, ये टालुइन का हो जाता है। ठीक है, टालुइन आता कम है लेकिन जान लीजिएगा, ये केवल इसमें चाहिए जगह, चाहिए एक जगह CO3 जो हो जाएगा, एच को हटाकर CO3 टालुइन हो जाएगा। बंद श्रृंखला में जो आती है, जो साइक्लिक में आती है, साइक्लिक में इस तरीके से आएगा, उसमें साइक्लो जैसे यहाँ पर ये तीन में आएगा, सभी को इसमें CH2 से ही जोड़ना है, दिमाग बैठाना, CH2 से ही जोड़ना है, किससे जोड़ना है, CH2 से। ठीक CH2 पांच हो, CH2 CH2 ठीक है। अब ये किसमें आएंगे, ये आपके जैसे इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, ये साइक्लिक वाले हैं, ये किस्म के हैं, साइक्लिक वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबका भी नामकरण अपना जानिएगा, इनको भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से इसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। आप पूछा जा सकता है साबुन में क्या होता है, तो वसा अम्ल होते हैं, आपके दिमाग बताइए, वो वसा अम्ल वाला विकल्प पकड़ लीजिएगा। ओके, तो बाकी सूत्र आपको बता दिए, इस तरीके से इसमें से आपके रसायन विज्ञान के इतने क्वेश्चन आपके जरूर आपको तैयार कर लेना है, कि आपके रसायन विज्ञान में इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नामकरण भी आप कैसे बताएंगे करना है, नामकरण भी आप कर लेंगे। तो ये था आपका रसायन विज्ञान का क्वेश्चन, एक छोटा सा पार्ट। अगला पार्ट जो होगा आपका फिजिक्स का पार्ट होगा, इसी में का चार चार पाँच पाँच पार्ट होगा, मैं उसका पार्ट डाल दूंगा, पार्ट आपका रसायन विज्ञान का, उसका मैं फिजिक्स डाल दूंगा, उसका मैं बायोलॉजी डाल दूंगा, तीनों पार्ट देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आप कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो आप समझ ही सकते हैं कौन कौन से आएंगे, छोटा सा ही पार्ट है, जिसको मैंने यहाँ पर बताया वही आपको डिटेल में पढ़ना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाजत, और रहिए हमारे टेक्नो प्लस में, क्योंकि आपको 11th में 12th में अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगी, यहाँ पर आप अभी तरी अच्छी तरीके सीख रहे हैं। ओके, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, यूट्यूब टिप्स और टिप्स देते हैं, साथ साथ यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाए, यूट्यूब पर कैसे काम करें, कौन कौन से चैनल को कैसे करें, पूरा पूरा प्रोसेस उस पर बताते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए जल्द ही मिलते हैं।